हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप अपने गाड़ी से, अपने व्हीकल से और भी करीब आ जाएंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टॉपिक है और इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ही कम है, अगर है भी तो मोस्टली जो है वो फॉरन यूट्यूबर्स की हैं। तो और ये टॉपिक पता क्या है, ये टॉपिक है स्पोर्ट्स मोड इन दी कार। तो आपने देखा होगा यार, जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं या इनफैक्ट लोअर सेगमेंट की भी गाड़ियां हैं लेकिन थोड़ी सी हाई रेंज की है, तो उनमें एक फीचर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड होगा, नॉर्मल मोड होगा, इकोनॉमी मोड होगा, और कंपनीज ने कई बार उसको ऐसे भी डिवाइड किया हुआ होता है कि अगर लोअर मॉडल है थोड़ा सा तो उसमें आपको एक नॉर्मल मोड मिल जाएगा और इकोनॉमी मोड मिल जाएगा जिसमें एवरेज अच्छी आएगी, और अगर हाई एंड मॉडल्स पे जा रहे हैं तो उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। आपको पता है वो स्पोर्ट्स मोड कैसे वर्क करता है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या फंडामेंटल टेक्निकलिटीज हैं? अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल लूं, हम बात करते हैं रेनो की, राइट? तो रेनो काइगर एंड रेनो ट्राइबर बोथ आर बिल्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, बोथ आर शेयरिंग द सेम इंजन, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, पेट्रोल इंजन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोनों का इंजन सेम है लेकिन काइगर में मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, नॉर्मल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स मोड, लेकिन हमारी ट्राइबर में नहीं दिए गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या स्पोर्ट्स मोड को देने के लिए एक एडिशनल हार्डवेयर की और एक एडिशनल कॉस्ट की जरूरत है, ये बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है, या कंपनी ने इसे नहीं दिया फॉर सम पर्पस, और क्या हमारे ट्राइबर में स्पोर्ट्स मोड इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन नियर फ्यूचर? तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, क्योंकि मैं शुरू करने वाला हूँ, तो लेकिन आप पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर जब वीडियो खत्म होगी एंड में होगा तो आप भूल जाते हो। तो अभी आप पॉज करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और फिर आगे अच्छी सी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताता हूँ और आप उसको ग्रैब करो, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है इन्फॉर्मेशन। तो गाइस स्पोर्ट्स मोड को समझने से पहले ना हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी गाड़ी में जो थ्रॉटल है या जो एक्सेलरेटर है वो कैसे वर्क करता है। तो आपको पता है टोटल ना टू टाइप ऑफ थ्रॉटल मैकेनिज्म होते हैं, एक को बोला जाता है ड्राइव बाय केबल और एक बोला जाता है ड्राइव बाय वायर। तो जो ड्राइव बाय केबल है वो बहुत पहले की गाड़ियों में हुआ करता था, जैसे मैं बात करूं मारुति 800 या उस टाइम की गाड़ियां थी, उसमें ड्राइव बाय केबल सिस्टम होता था, और जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं उसमें यूज होता है ड्राइव बाय वायर, या उसको ये भी बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल। तो मैं आपको बेसिकली फंडामेंटली समझाता हूं कि जो ड्राइव बाय केबल है वो कैसे वर्क करता है। ड्राइव बाय केबल जो होता है वो होता है कि जो आपका एक्सेलरेटर पैडल है उसके साथ एक केबल अटैच होती है, फिजिकल केबल अटैच होती है जो कि आपके थ्रॉटल बॉडी पे, थ्रॉटल सिस्टम से कनेक्टेड होती है। तो जितना पंजा आप एक्सेलरेटर पे रखते हैं उतना ही वायर खिंचती है और वो थ्रॉटल को ओपन कर देती है, उतना ही आपका फ्यूल मिक्सचर जो है आपकी इंजन में जाना शुरू हो जाता है और गाड़ी उतना ही टॉर्क जनरेट करती है और आगे भागती है। तो आप सिंपल समझो, आप मानो कि ये आपका ये गाड़ी का थ्रॉटल सिस्टम है और ये आपका एक्सेलरेटर है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं ड्राइव बाय केबल की, जो कि पुराने सिस्टम में था, तो जैसे जैसे आप इस पंजे को प्रेस करेंगे ये केबल जो है, जो इससे अटैच्ड है, इस एक्सेलरेटर पैडल से एक केबल अटैच्ड है इस थ्रॉटल पे, तो जैसे जैसे आप इसे प्रेस करेंगे ये खिंचती है, ये खिंचेगी और ये थ्रॉटल जो है सिस्टम जो है, यहाँ पर एक बेसिकली एक ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो वो ओपन हो जाता है और आपका पेट्रोल जो अंदर जाना शुरू कर देता है और गाड़ी वैसे ही भागती है। तो दैट इज अ ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो कि पहले यूज किया करता था, जो अब यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड ड्राइव बाय वायर या इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल। तो उसमें क्या होता है कि ये थ्रॉटल सिस्टम है, ये आपका एक्सेलरेटर पैडल है, तो अब यहाँ पर कोई फिजिकल केबल अटैच नहीं है, देयर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेटर पैडल है, यहाँ पर एक कपलर लगा हुआ है, एक सेंसर लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करता है कि थ्रॉटल कितना प्रेस हुआ या कितना रिलीज हुआ। तो बेस्ड ऑन दैट वो जितना प्रेस हुआ या रिलीज हुआ वो एक सिग्नल जनरेट करता है, जो कि सिग्नल जाता है यहाँ पर इस थ्रॉटल से पहले एक यूनिट होती है, कंप्यूटर यूनिट होती है जिसे ECU बोला जाता है, वो उसके पास जाता है, उस कंप्यूटर के पास जाता है, वो सिग्नल जनरेट करता है क्योंकि वायर है, वायर से एक सिग्नल जनरेट हुआ और वो ECU पे गया, फिर ECU डिसाइड करेगा कि थ्रॉटल को कितना ओपन करना है, कितना क्लोज करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉनिक तो ये मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर से इसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां आ रही हैं उन सब में जो है वो है
ड्राइव बाय वायर या इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल। और ये इसलिए भी मैंडेटरी हो गया क्योंकि जैसे भी आप देख रहे हो इतने बाय लॉज आ रहे हैं, रिकमेंडेशन आ रही है कि BS4 नॉर्म्स हैं, BS6 नॉर्म्स हैं, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं कि कितना आपकी गाड़ी को पोल्यूशन जनरेट कर सकती है या कितना थ्रोटल रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज हो गए तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी रहेगा बिकॉज इट्स ऑल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड, आपको उसके लिए कोई भी हार्डवेयर चेंज नहीं करना। तो कंपनी इस तरह से भी सोच के ऑल हैव मूव टू इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सिस्टम। और आपको पता है हमारी रेनो ट्राइबर में भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल ही है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो लोकेटेड है। तो गाइज ये हमारा रेनो ट्राइबर का जो है बेसिकली एक्सेलरेटर पैडल है, दिस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो इस एक्सेलरेटर पैडल से ऊपर यहाँ पर एक कपलर लगा हुआ है, देख रहे हो, ये यही वो सेंसर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक्सेलरेटर पैडल से कनेक्टेड होता है इन इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल या ड्राइव बाय वायर सिस्टम में। तो ये जो है अभी ये कपलर जो है जैसे जैसे ये जितना प्रेस होगा, जितना ये पंजा प्रेस करेंगे हम यहाँ पर, उसके बेस पे ये सिग्नल जनरेट करेगा और ये सेंड करेगा सिग्नल आपके ECU यूनिट को, और ECU डिसाइड करेगा कि मुझे कितना जो है थ्रोटल को ओपन करना है। तो जैसे अगर हम बात करें कि रेनो ट्राइबर के पावर की, जैसे हम ये रेनो ट्राइबर जो 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है एट 3500 RPM, तो वो बेसिकली इट्स ऑल कंट्रोल्ड विद दिस सेटअप ओनली, कि वो इस तरह से ट्यून किया गया है कि जैसे आप थ्रोटल प्रेस कर रहे हैं व्हेन इट रीचेस 3500 RPM तो एक मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो दीज आर ऑल कनेक्टेड, ये सिर्फ एक वन इंटीग्रिटी है बट ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, आप कौन से गियर में हो, इट ऑल थिंग्स, ये सब डिपेंड होती है उसके बेस पे, ये कंप्यूटर डिसाइड करता है कि कितना RPM मुझे प्रोड्यूस करना है, उसी के बेस पे वो टॉर्क जनरेट होगी। वेल एंड गुड, आई होप आपको ये बेसिक समझ आए होंगे कि जो थ्रोटल मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड कैसे वर्क करता है? तो स्पोर्ट्स मोड गाइस कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसी जो मैंने अभी यही आपको कंप्यूटराइज मैकेनिज्म बताया, इसी की मैनिपुलेशन है, नथिंग एल्स। देखो स्पोर्ट्स मोड कभी भी ऐसा नहीं करता कि जो गाड़ी की जो है वो पावर बढ़ा दे। एक गाड़ी की जो इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ BHP, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे अगर हम रेनो ट्राइबर की बात करें तो हमें इसकी 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है मैक्सिमम, वो उतना ही करेगी, या 71 या 72 PS की जो पावर है वो उतना ही करेगी, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी ऐसे नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मोड जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ इसी सेंसर जो आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हो, जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो इसी को मैनिपुलेट करता है कि मेरे को जो ECU को जो है वो क्या सिग्नल भेजना है। तो अगर आपका नॉर्मल मोड है तो जिस तरह से वो कंपनी ने OEM ट्यून्ड करा हुआ है आपका एक्सेलरेटर, उसी तरह से वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर देते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे ही आपने पंजा प्रेस किया एक्सेलरेटर पे, भले ही आपने पंजा कम प्रेस किया, लेकिन वो जो सिग्नल जनरेट करता है वो ECU को ये देता है कि मेरे को थ्रोटल को ज़्यादा खोलो, जितना आपको नॉर्मल मोड में खोलना था उससे ज़्यादा ओपन करो, ताकि मोर RPM प्रोड्यूस हो और मोर टॉर्क जनरेट हो पाए इन लो गियर्स। तो ताकि जो भी आपका इनिशियल गियर्स का लैग है, आपने देखा होगा यार, पहले गियर पे आप उठाते हो दूसरे गियर पे उठाते हो तो थोड़ा सा लैग फील होता है कोई भी गाड़ी हो, और द मोमेंट आप 2500-3000 RPM को क्रॉस करते हो एक बूस्ट मिलता है और गाड़ी भागती है, तो वो उसी लैग को कम करता है। वो बेसिकली ये करता है कि जो टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क है, वो आपकी गाड़ी में कम पैडल प्रेस के हुए एक्सेलरेटर को वो प्रोवाइड कर दी जाए। दैट्स इट, दैट इज अ स्पोर्ट्स मोड, नथिंग एल्स। और अगर गाड़ी में इकोनॉमी मोड है तो वो क्या करेगा, वो जो आपका ये कपलर जो है जो आपके एक्सेलरेटर से कनेक्टेड है, नॉर्मल इकोनॉमी मोड में वो क्या करेगा, जैसे आपने पंजा प्रेस किया एक्सेलरेटर पे, तो वो सिग्नल ऐसा जनरेट करेगा कि भले ही आपने पंजा ज़्यादा परसेंटेज में प्रेस किया है बट थ्रोटल को कम ओपन करवाएगा, ताकि कम फ्यूल जाए। नो डाउट गाड़ी लैगी फील करेगी, लेकिन फ्यूल कम यूज होगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, एवरेज बढ़ जाएगी गाड़ी की। और गाइस पता है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करूंगा अगर नियर फ्यूचर हमारी रेनो ट्राइबर में भी स्पोर्ट्स मोड इंट्रोड्यूस कर दिया जाए विद सम प्रीमियम के, हो सकता है कि टॉप मॉडल में आए, क्योंकि इसको इजीली ऐड किया जा सकता है, क्योंकि आपको ये सब कंप्यूटर से ही कंट्रोल करना है। और इसी यही पता है, इसी पे ही सारी कंपनीज प्ले करती हैं कि किसी गाड़ी में स्पोर्ट्स मोड है तो उसको
प्रीमियम वो टच दे दिया जाएगा कि दिस इज अ प्रीमियम फीचर, या जिसमें नहीं है तो वो थोड़ा सा वो डाउन फीचर है, बट बहुत स्मार्टली प्ले किया क्योंकि इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस पर आप खेल सकते हो इस चीज़ पे। तो आई होप कि हमारी रेनो ट्राइबर में भी जल्दी ही स्पोर्ट्स मोड रेनो जो है वो इंट्रोड्यूस कर दे। और गाइस जो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन ये कि क्या हम अपनी रेनो ट्राइबर में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि इसके इंजन को बूस्ट मिल जाए, स्पोर्ट्स मोड इंट्रोड्यूस हो जाए। और एक्चुअल में टर्बो इंजन तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन एक टर्बो इंजन वाली पिकअप, एक पावर जो है हमारी रेनो ड्राइवर को मिल जाए, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क, थिंक अबाउट इट। और यही मैं मेरे आने वाले वीडियोस में, आप आने वाले वीडियोस जरूर देखना, एक यही एक्सपेरिमेंट मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। मतलब पूरा मेरा प्लान है, सब कुछ बैक ऑफ माइंड है कि मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं वही प्लान को बेसिकली एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है। तो एक ट्रायल मैं करने वाला हूँ, और अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। और टच वुड हो सकता है कि आपके भाई की जो रेनो ड्राइवर है, इंडिया की पहली ड्राइवर बन जाए, रेनो ड्राइवर बन जाए विद स्पोर्ट्स मोड या विद टर्बो पंच। तो जस्ट कीप वॉचिंग यार, आने वाली सारी वीडियोस देखना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, बहुत होमवर्क करना पड़ रहा है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी मैं होमवर्क कर रहा हूँ इसको मैं रिजल्ट की तरफ लेके जाऊँ। चलो गाइस, आप बताना है आपको आज की इन्फॉर्मेशन एक यूनिक लगी कि नहीं लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों से, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह से मेरा पूरा एक कहते ना मोटिव रहेगा या उद्देश्य रहेगा कि मैं जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोस है उन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिले, और अपनी गाड़ी को और बेहतर समझने का आपको मौका मिले। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी इफ यू आर ट्रैवलिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।